हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेव फाइल किस तरीके से बनाते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। हम आर कैटलॉग ओपन करेंगे। आर कैटलॉग ओपन करेंगे। इसके लिए आपके पास आर्कजीआईएस इंस्टॉल होना कंपलसरी है। ये हमारा आर कैटलॉग ओपन हो गया। आर कैटलॉग होने के बाद यहाँ से जाकर आप अपनी पर्टिकुलर फोल्डर की लोकेशन दे सकते हैं, जिस लोकेशन पे आपको सेव फाइल बनानी है। ये मैं ई ड्राइव में बना रहा हूँ, आर के फोल्डर के अंदर ई ड्राइव में बना रहा हूँ। आर के फोल्डर सेलेक्ट किया, ई ड्राइव में गए। इसके बाद यहाँ राइट क्लिक करने के बाद, फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आप नीचे देखेंगे, न्यू में जाके सेव फाइल, सेव फाइल में जाएंगे। सेव फाइल में अगर हमें लाइन फाइल बनानी है तो हम ले सकते हैं उसका नाम रोड सेंटर लाइन, रोड सेंटर लाइन। ये हमारी रोड सेंटर लाइन लाइन फीचर में रहेगी। इसे हम पॉलीगन लेंगे, फीचर टाइप में हम पॉलीगन लेंगे। और हम यहाँ से कोऑर्डिनेट देंगे, जिस कोऑर्डिनेट में हमारा आता है, जिस कोऑर्डिनेट में हमारी ये इमेज है या जिस लोकेशन पे हम करना चाहते हैं इसे ड्रा, तो उस पोजीशन की हम लोकेशन को देंगे। यहाँ से जियोग्राफी कोऑर्डिनेट सिस्टम है और प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हम प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाएंगे और इसके बाद फिर हम UTM में जाएंगे। UTM में जाने के बाद WGS 1984 में जाएंगे। हमारा ये नॉर्थन वाला है तो हम नॉर्थन लेंगे। इसमें हम लेंगे WGS 1984 43 नॉर्थ लेंगे। ये हमारा आ गया UTM जोन। इसे सेलेक्ट किया, ओके किया, ओके किया, ओके। ये हमारी लाइन की सेव फाइल बन गई। सेम सेकंड सेव फाइल हमें अगर पॉइंट की बनानी है तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, सेव फाइल पे जाएंगे। यहाँ से हम पॉइंट फाइल लेने के लिए, हम अगर पॉइंट फाइल में हम लैंडमार्क लेना चाहते हैं तो हम उसका नाम लैंडमार्क लिख देंगे। हमने नाम लिख दिया। फीचर टाइप में हमारा पॉइंट है तो पॉइंट रहने देंगे। इसके बाद प्रोजेक्शन लेंगे। प्रोजेक्शन में जो हमने सेलेक्ट किया था WGS 1984, ये हमारा फेवरेट में आ गया। इसे सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। ये हमारी पॉइंट फाइल बन गई। अब इसके बाद आता है एरिया, बिल्डिंग कैप्चर करने के लिए, वाटर बॉडी कैप्चर करने के लिए। उसके लिए हम पॉलीगन फीचर लेते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं बिल्डिंग, बिल्डिंग हम नेम ले लेते हैं। हमारा ये रहेगा पॉलीगन, फीचर टाइप रहेगा पॉलीगन। कोऑर्डिनेट सिस्टम वही ले लेंगे जो पिछला लिया हुआ था, सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। ये हमारी सेव फाइल हमारी कंप्लीट हो गई बन के, बिल्डिंग की मीन्स पॉलीगन, लैंडमार्क मीन्स पॉइंट, रोड मीन्स लाइन। अब हमारी ये तीनों सेव फाइल कंप्लीट हो गई। अब हम इसका पाथ कॉपी कर लेंगे, आर्क जीआईएस ओपन करेंगे। आर्क जीआईएस में फिर इन फाइलों को ओपन करेंगे। ये हमारा आर्क जीआईएस है। आर्क जीआईएस ओपन किया, इस पे मैंने पहले से इमेज ऐड कर रखी है। जहाँ भी आपकी इमेज होगी वहाँ से इमेज का पाथ दे सकते हैं, इमेज आ जाएगी। इसके बाद जो हमने सेव फाइल बनाई है उस
पाथ को यहाँ कॉपी करेंगे, वो हमारे पास तीनों सेव फाइल आ जाएंगी। इन्हें तीनों सेव फाइल को सेलेक्ट करके ऐड कर देंगे, ये हमारे ऐड हो गए, तीनों सेव फाइल हमारी ऐड हो गई। अगर इन्हें होलो करना है बिल्डिंग को, पॉलीगन वाली फाइल को कर सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर लेना चाहें उस कलर को ले सकते हैं, ओके कर दें। रोड का अगर कलर चेंज करना चाहें रोड का भी कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। रोड हमने चेंज कर दिया, ये हमारा रोड हो गया। इसके बाद अगर लैंडमार्क का भी कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद ये हमारे आगे पॉइंट, इसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, साइज यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हैं, ये हमारे हो गए। अब हम ये फीचर ऐड हो गए, अब कैप्चर किस तरीके से करेंगे, लैंडमार्क को किस तरीके से कैप्चर करेंगे, रोड को किस तरीके से कैप्चर करेंगे और बिल्डिंग को किस तरीके से कैप्चर करेंगे, अब उसके बारे में बताएं। हम ऐड करने के बाद एडिटर में जाएंगे, यहाँ स्टार्ट एडिटिंग करेंगे। स्टार्ट एडिटिंग होने के बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। स्टार्ट एडिटिंग कंटिन्यू कर दिया, ये हमारी स्टार्ट एडिटिंग हो गई। इसके बाद हम यहाँ से जाके एडिटिंग विंडो में जाएंगे, क्रिएट फीचर पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ये हमारे तीनों फीचर आ गए, बिल्डिंग, लैंडमार्क और रोड आ गए। अब हमें सबसे पहले अगर हमें बिल्डिंग कैप्चर करना है तो बिल्डिंग को सेलेक्ट करेंगे, जूम करेंगे किसी भी पर्टिकुलर बिल्डिंग को, ये हमारी बिल्डिंग है, इसे हमें कैप्चर करना है। इस बिल्डिंग को अगर कैप्चर करना है, यहाँ बिल्डिंग को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद किस टाइप की हमें बिल्डिंग सेलेक्ट करनी है, पॉलीगन सेलेक्ट करनी है, रेक्टेंगल, सर्किल या इलिप्स, जिस भी टाइप की हमें बिल्डिंग बनानी है उस टाइप की ले लेंगे। रेक्टेंगल बिल्डिंग बनानी है, रेक्टेंगल में जाएंगे, रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, ये हमारी रेक्टेंगल टाइप की बिल्डिंग बन गई, ये हमारी रेक्टेंगल बिल्डिंग बन गई। अगर हमें क्लिप करके कोई पार्ट बनाना पड़े, इस बिल्डिंग को अगर हमें क्लिप करके बनाना है तो यहाँ जाएंगे, रेक्टेंगल हमने सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट कर लिया, ये हमारी दूसरी बिल्डिंग बन गई। अब यहाँ से हमें क्रॉप करना है, इस ये पार्ट में बिल्डिंग नहीं है, इसे हमें क्रॉप करना है। इसके लिए हम फिर रेक्टेंगल लेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ से ये वाला पार्ट हमें कट करना है, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। इसके बाद एडिट में जाएंगे, हमारे पास ये क्लिप है, क्लिप पे जाएंगे, क्लिप कर देंगे, ओके कर देंगे, ये वाला पार्ट हमारा कट जाएगा और जो अभी लेटेस्ट पार्ट लिया था हमने उसे हम डिलीट कर देंगे, ये हमारी बिल्डिंग सेप वाली बिल्डिंग बन गई। अगर मैं पॉलीगन बनाना हो, पॉलीगन टाइप की बिल्डिंग बनानी हो, यहाँ पॉलीगन लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, 1 2 3 4, ये हमारी इस टाइप की बिल्डिंग बन गई पॉलीगन टाइप की। इसे ये बिल्डिंग बनानी है, इस पर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये और ये हमारी बिल्डिंग बन गई। अगर हम रेक्टेंगल से करेंगे तो हमारी ज़्यादा एक्यूरेसी आती है या क्लियरेंस सही से दिखता है, क्लियर दिखती है। ये हमारा पॉलीगन हो गया, बिल्डिंग बन गई। अब हम लैंडमार्क के लिए देखेंगे, लैंडमार्क में लैंडमार्क सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा पॉइंट फीचर आ गया, पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, पॉइंट अगर हम इसे मान के चलते हैं ये हमारा टेम्पल है, हम इस पर टिक कर देंगे, ये हमारा पॉइंट फीचर बन गया।
इसके बाद अगर हम रोड बनाना चाहते हैं तो रोड पे जाएंगे, रोड पे किस टाइप का है, रेक्टेंगल रोड बनाना चाहते हो, सर्किल, इलिप्स, किस टाइप का, तो हमें लाइन बनानी है। हम यहाँ जाएंगे, रोड सेंटर लाइन पे जाएंगे, इसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे पॉइंट 1, 2, 3, इस तरीके से हम सेलेक्ट करते जाएंगे। ये हमारा रोड बन गया, रोड की हमारी सेंटर लाइन बन गई। अगर इसे और मोटा कर देंगे, ये देखिए हमने 10 कर दिया, ये हमारा पूरा रोड बन गया। इस तरीके से हम पॉइंट लाइन एरिया की शेप फाइल बनाते हैं और कैप्चर करते हैं। पहले इस पे इसके एट्रीब्यूट पे कुछ नहीं था, अब इसके एट्रीब्यूट पे ये चीज़ आ गई। ये देखिए एक पॉइंट आ गया, सेंटर लाइन में बात करें ये सेंटर लाइन एक आ गई, बिल्डिंग में बात करें तो 3-4 बिल्डिंग हमने बनाई हुई हैं, ये हमारी बिल्डिंग आ गई। अगर हम इनमें कोई नाम जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम सेव करेंगे, स्टॉप एडिटिंग करेंगे, लैंडमार्क में जाएंगे या रोड पे जाएंगे या बिल्डिंग पे जाएंगे, जिसमें भी एक्स्ट्रा नाम देना चाहते हैं हम राइट क्लिक करके टेबल ओपन करेंगे। इसके बाद ये टेबल ऑप्शन पे जाएंगे, टेबल ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ ऐड फील्ड करेंगे, ऐड फील्ड में हम लैंडमार्क का नेम ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ नेम दे देंगे, टेस्ट टाइप का दे देंगे, ओके कर देंगे, ये हमारी नेम की फील्ड आ गई। अब अगर हमें इस पे कोई भी वैल्यू पॉपुलेट करानी है तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, फील्ड कैलकुलेटर पे जाएंगे, अब हम डबल कॉलन के अंदर हमने लैंडमार्क लिया हुआ था टेम्पल का, तो हम टेम्पल लिख देंगे या उस टेम्पल का नाम है शिव मंदिर, तो हम शिव मंदिर लिख देंगे, शिव टेम्पल। अब हम ओके कर देंगे, कैलकुलेट हो रहा है, कैलकुलेट होके ये नेम के पास आ जाए। इस तरीके से हम नेम ऐड करते हैं, ये हमारा नेम ऐड हो गया। अगर इस नेम को हमें डिस्प्ले कराना है तो इसके लिए आपको लैंडमार्क में राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद लेवल में जाएंगे, लेवल में जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ है लेवल फीचर इन दिस लेयर, इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ लेवल फील्ड है, लेवल फील्ड में आईडी है, यहाँ से हम नेम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम नेम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, और किस कलर में डिस्प्ले कराना चाहते हैं कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं, जिस भी कलर में हमें डिस्प्ले कराना है कलर यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद साइज हमें क्या रखना है, साइज 10, 20, जो भी हम साइज चाहें उस साइज को सेलेक्ट करेंगे, हमने यहाँ 14 सेलेक्ट। अब अगर हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, हमने बोल्ड सेलेक्ट कर दिया, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, ये हमारा आ गया सेव टाइम, ये हमारा डिस्प्ले हो गया। इस तरीके से हम लाइन, पॉइंट, एरिया सेव फाइल बनाते हैं, ड्रा करते हैं और डिस्प्ले करते हैं। सेम ऐसे ही सेंटर लाइन पे, सेम ऐसे ही बिल्डिंग पे ही नेम देते हैं और वैल्यू पॉपुलेट कराते हैं। यहाँ भी अगर हम नेम देना चाहें तो नेम दे देंगे, ऐड फील्ड करेंगे, यहाँ हमने नेम दे दिया,
टेक्स्ट नेम हो गया, सेंटर लाइन है, अब हमें इसका नाम लिखना है, हाईवे है, नेशनल हाईवे 40 है, ये हमने दे दिया नाम इसका है NH40। ओके कर देंगे, ये हमारा NH40 आ गया। अगर हमें इसे भी डिस्प्ले कराना है, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे, लेबल पे जाएंगे, लेबल फीचर इन दिस लेयर पे जाएंगे, आईडी की जगह हम नेम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फिर कलर लेंगे, जिस भी कलर में हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं कलर लेंगे, यहाँ से साइज लेंगे, साइज लेने के बाद बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी रखना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, ये हमारा नेम आ गया, ये देखिए NH40, ये हमारा नेम आ गया। अब सेम यही प्रोसीजर हम बिल्डिंग में करेंगे, ओपन एट्रीब्यूट टेबल में जाएंगे, नेम पे जाएंगे, ऐड फील्ड पे जाएंगे और नेम डालेंगे, यहाँ से टाइप में टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। अब नेम में बहुत सारी बिल्डिंग है, हम किस बिल्डिंग का नेम देना चाहते हैं, अगर हम इस बिल्डिंग का नेम देना चाहते हैं, इस बिल्डिंग का नाम हम देना चाहते हैं शिव सदन, या इस बिल्डिंग का नाम है शिव सदन, हमने इसका नाम दे दिया शिव सदन, यह हमारा आ गया शिव सदन। इसका और भी दूसरा नाम होगा, इसका दूसरा नाम दे देंगे हम इसका नाम देंगे गांधी सदन, ये हमारा गांधी सदन हो गया। ये पर्टिकुलर मकान नंबर के साथ है, हाउस नंबर हमने 20 दे दिया, ये हाउस नंबर 20 आ गया। इसे हमने दे दिया हाउस नंबर 21, ये हमारे नेम हो गए। अब इसे भी अगर हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, प्रॉपर्टी पे जाएंगे, राइट क्लिक करने के बाद लेवल में जाएंगे, यहाँ से लेवल पे जाएंगे, लेवल फीचर इन दिस लेयर पे जाएंगे, नेम को सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड सेलेक्ट कर लेंगे, कलर जो भी करना चाहें उस कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं, हमने इस कलर को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से साइज सेलेक्ट कर लेंगे, अब अप्लाई और ओके कर दिया, ये हमारे नाम आ गए अलग अलग। ये हमारा शिव सदन बिल्डिंग है, ये गांधी सदन बिल्डिंग है, ये हाउस नंबर 20 है, ये हाउस नंबर 21 है। इस तरीके से हम लाइन पॉइंट एरिए को कैप्चर करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू।